क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये कहता है इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट द कोलिजन। अब देखो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है प्यारा सा, बहुत फेमस है ये न्यूक्लियस है, और इसके इस तरह से ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, इस तरह से ऑर्बिट्स या सेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, जो भी नाम दे दो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा कि अगर यहाँ से ये फर्स्ट से सेकेंड में फर्स्ट की एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 10.2 है, इसका और इसका डिफरेंस 13 में से 3.4 घटा दो। और अगर यहाँ से इसको इधर जाना है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसके 12.1 क्या 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, या अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको इसमें से घटा दो। तो कुल मिला अभी तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है तो इस ऑर्बिट्स में ये 12.1 का फोटोन ऑब्जॉर्व करेगा, और यहाँ से कितना 10.2 का इलेक्ट्रॉन का फोटोन ऑब्जॉर्व करेगा ए हाइड्रोजन एटम। तो हमने इधर से कितना फोटोन इंसिडेंट कराया, तो हमने जो फोटोन इंसिडेंट कराया जो उसकी एनर्जी थी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मतलब मिनिमम यार अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन है वही एनर्जी एक्सेप्ट करता है जो डिफरेंस के इक्वल हो, तो 5 को थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, 5 को बोलेगा तुम भैया तुम चले जाओ चुपचाप पास हो जाओ। एटम ऐसे बिहेव करता है जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो ये यहाँ से जो भी आएगा ऐसे ग्लास की तरह ऐसे निकल जाएगा, उस फोटोन को कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, मतलब फोटोन और कोलिजन जो है वो बिल्कुल इलास्टिक है, मस्ट बी इलास्टिक, मतलब कोई भी एनर्जी फोटोन की बर्बाद नहीं हुई, वो एटम एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब क्या होगा अगर तुम हाँ अब इलास्टिक कम्प्लीटली इन इलास्टिक कब होती है, अब एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो ऐसा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए फिर भी इन इलास्टिक रहा, जब तक तुम 10.1 दोगे फिर भी इन इलास्टिक रहा, जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालोगे तब वो फोटोन ये वाला ग्राउंड वाला इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा, कम्प्लीटली ये जो फोटोन है कम्प्लीटली अपने आप को डिस्ट्रॉय करके अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस केस में जो कोलिजन है कम्प्लीटली इन इलास्टिक है, कब, जब फोटोन एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो। लेकिन अगर क्या होगा कि तुम 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो क्या होगा, है ना इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये ना तो 12.1 है और ना तो ये 10.2 है, और ये तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस फोटोन का जो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो कोलिजन होगा कुछ जो 10.2 मतलब इसमें से 10.2 घटा दो तो 10.2 एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बाकी एनर्जी जो है वो एटम में चली जाती है, और एटम जो गैस होती है उसके एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक और रोटेशनल जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो पार्शियली इलास्टिक है, मतलब कुछ ऑब्जॉर्व कर लिया और कुछ एनर्जी उसको मतलब अदर पार्ट में यूज कर लिया। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे तो है तो वो पूरी फोटोन तो अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, फोटोन जो आया था 10.6 का तो वो तो अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर पूरी एनर्जी दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरा थोड़ी लेगा, इलेक्ट्रॉन कितना लेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10.2 बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी एनर्जी आएगी जो गैस की वाइब्रेशन जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक और रोटेशनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है, और ये सही है। चलो